हेलो फ्रेंड्स हम क्लास केमिस्ट्री चैप्टर ट्वेल्थ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं आज इसमें हम ग्रुप ग्रुपटी एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेल्यूरियम एंड पोलोनियम कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप सिक्सटीन ऑफ द पीरियोडिक टेबल अगर हम पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो इसके जो ग्रुप सिक्सटीन के एलिमेंट्स हैं उनमें ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेल्यूरियम और पोलोनियम आते हैं दिस इज समाइम नाउन एज द ग्रुप ऑफ चेल्कोजन्स ग्रुप सिक्सटीन को हम ग्रुप ऑफ चेलकोजन के नाम से भी जानते हैं यानी जो ये एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेलोनियम टेलोरियम और पोलोनियम इनको हम चेल्कोजन के नाम से भी जानते हैं ये आपको याद रखना है द नेम इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर ब्रास जो ये चैल्कोजन वर्ड है ये ब्रास के लिए जो ग्रीक वर्ड है जो इस्तेमाल किया जाता है वहां से ये ड्राइव किया गया है ब्रास कहते हैं पीतल को और जो ब्रास होता है ये कॉपर और जिंक का एलोय होता है तो ब्रास के लिए जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वहीं से ये चैलकोजन वर्ड ड्राइव किया गया है लिया गया है एंड पॉइंट्स टू द एसोसिएशन ऑफ सल्फर एंड इट्स कॉन्जनर्स विद कॉपर साथ ही साथ जो ये चैलकोजन है ये सल्फर और सल्फर के जो कॉन्जनर्स हैं यानी सल्फर की कैटेगरी के जो एलिमेंट्स हैं, उनका कॉपर के साथ जो एसोसिएशन होगा वो भी ये वर्ड शो करता है मोस्ट कॉपर मिनरल्स कंटेन आदर ऑक्सीजन और सल्फर एंड फ्रीक्वेंटली ग्रुप ज्यादातर जो कॉपर के मिनरल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन और सल्फर मौजूद होता है साथ ही साथ कॉपर के मिनरल्स में जो ग्रुप सिक्सटीन के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो भी उसमें मौजूद होते हैं कॉपर के मिनरल्स में ऑक्सीजन और सल्फर तो मौजूद होगा साथ ही साथ जो ये दूसरे एलिमेंट्स हैं बाकी बचे जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप सिक्सटीन के वो भी पाए जाते हैं अब इसमें पहला पार्ट है अक्रेंस यानी ग्रुप सिक्सटीन के जो एलिमेंट्स हैं वो कहां पर पाए जाते हैं और कितनी मात्रा में पाए जाते हैं ये हमें पढ़ना है ऑक्सीजन इज द मोस्ट एविडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन अर्थ अर्थ पर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है या सिंपल शब्दों में कहें अर्थ पर सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है ऑक्सीजन फॉर्म्स अबाउट 46.6 बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है वहां उसमें 46.6 परसेंट मास उसका ऑक्सीजन से बना है तो ये आपको याद कर या, याद रखना है अर्थ के क्रस्ट का 46.6 परसेंट जो मास होता है वो ऑक्सीजन से बना है ड्राई एयर कंटेंस 20.9946 परसेंट ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम अगर हम एटमॉस्फेयर में एयर की बात करें तो एयर में जो ऑक्सीजन है वो 20.946 परसेंट पाया जाता है हाउ एवर दल्फर इन द अर्थ क्रस्ट इज ओनली जीरो पॉइंट जीरो 0.1%. ये बात की हमने ऑक्सीजन की अगर हम सल्फर की बात करें तो अर्थ की क्रस्ट में जो सल्फर होता है वो सिर्फ 0.03 से 0.1% परसेंट के रूप में ही मौजूद होता है यानी बहुत ही ज्यादा कम परसेंटेज में या फिर कहे कम मात्रा में जो सल्फर होता है वो अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है कंबाइंड सल्फर एग्जिस्ट प्राइमरली एज सल्फेट सच एज जिप्सम एप्सम सोल्ट बेराइट एंड सल्फाइड एंड तो जो सल्फर होता है वो जनरली अर्थ के क्रस्ट में तो बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है लेकिन जो सल्फर है वो सल्फेट्स के रूप में ज्यादातर पाया जाता है सल्फेट्स जैसे कि जिप्सम सी ये इसमें सल्फर मौजूद होगा जिप्सम के रूप में एप्सम सोल्ट इसका फॉर्मूला होता है एम फोर डॉट सेवन एस टू इसमें सल्फर मौजूद होगा सल्फेट के रूप में बेराइट बी फोर और जो सल्फर होता है वो सल्फेट के रूप में साथ ही साथ सल्फाइड के रूप में भी पाया जाता है जैसे कि गैलेना पीबीएस ये सल्फाइड है जिंक ब्लेड जेड एन एस और कॉपर पायराइट CuFeS2 एस टू तो इनके नाम आपको याद रखने हैं जिप्सम का फॉर्मूला एप्सम सोल्ट इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है पूछा जा सकता है बेराइट का फॉर्मूला आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट है ट्रेसिस ऑफ सल्फर अकर्स एज हाइड्रोजन सल्फाइड इन वोल्के और बहुत ही कम मात्रा में यानी ट्रेसेबल मात्रा में जो सल्फर होता है वो वोल्केनोज के रूप में भी वोल्केनोज यानी जो ज्वालामुखी होते हैं वहां पर भी मौजूद होता है और जो सल्फर होता है वो वोल्केनोज में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में मौजूद होता है ऑर्गेनिक मटीरियल एग्स प्रोटीन गार्लिक अनियन मस्टर्ड हेयर एंड वूल कंटेन सल्फर कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जैसे कि एग्स हो गए अंडे प्रोटीन्स गार्लिक ओनियन मस्टर्ड हेयर और वूल इसमें भी सल्फर मौजूद होता है तो ये हमने पढ़ा सल्फर के बारे में सल्फर कहां पर मौजूद होता है और कितनी परसेंटेज उसकी मौजूद होती है अब बात करते हैं हम बाकी बचे एलिमेंट्स की थर्ड पॉइंट सिलेनियम एंड टेलोरियम आर ऑल्सो फाउंड एज मेटल सिलेनाइड एंड टेलोराइड इन सल्फाइड और अगर हम सिलेनियम और टेलोरियम के अगर हम बात करें तो सिलेनियम और टेलोरियम मेटल सेलेनाइड्स और मेटल टेलुराइड्स के रूप में सल्फाइड ओर में मौजूद होते हैं तो ये भी कहां पर पाए जा रहे हैं सल्फाइड ओर में पाए जा रहे हैं मेटल सिलेनाइड्स के रूप में और टेलोराइड्स के रूप में बात करें पोलोनियम की पोलोनियम अकर्स इन नेचर एज ए डी के प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल्स जो थोरियम और यूरेनियम मिनरल्स हैं जब इनका रेडियो एक्टिव डीके होता है तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में पोलोनियम भी मौजूद होता है तो पोलोनियम नेचर में किस रूप में पाया जा रहा है थोरियम और यूरेनियम के डीके प्रोडक्ट में यानी जब ये थोरियम और यूरेनियम रेडियो एक्टिवली डीके होंगे तो इससे क्या होगा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें पोलोनियम मौजूद होगा इनके रेडियो एक्टिव डीके से पोलोनियम बनेगा

ये ग्रुप सिक्सटीन एलिमेंट्स हैं उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एन एस टू एनपी फोर होता है अब हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन एनएस टू एनपी टू वन टू सिक्स अगर हम बात करें ग्रुप सिक्सटीन में तो ग्रुप सिक्सटीन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं छे क्योंकि ग्रुप सिक्सटीन सिक्सटीन का हमें लेना है छे तो इसमें क्या होगा बाद में सिक्सटीन में सिक्स आ रहा है यानी इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है एस में और पी में इन सब शेल में। तो एन एस टू एस में तो दो आएंगे बाकी बचे छ में से दो गए चार तो चार भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन पी में फोर तो इस तरीके से ये भरे जाते हैं तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ ns2 np4 टू एनपी फोर वो हमें कहां से देखना है 16 का सिक्स लेना है और उनको यहां पर भर देना है एस में दो आते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए बाकी बचे चार चार हमने भर दिए पी में तो ग्रुप सिक्सटीन की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई एनएस टू एनपी फोर तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखनी है दूसरी प्रॉपर्टी है एटोमिक एंड आयनिक रेडियाई सबसे पहले तो एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं उसकी एटॉमिक रेडियस जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ये एटम है ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसकी पहली शेल, ये इसकी दूसरी शेल। मान लीजिए इसमें दो शेल है अब इस न्यूक्लियस से इसकी आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होगा ये इसकी कहलाएगी एटोमिक रेडियस इसी तरीके से होती है कोवेलेंट रेडियस कोवेलेंट रेडियस क्या होती है कोई दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम है मान लीजिए ऑक्सीजन है ओ के रूप में ये एक ऑक्सीजन का एटम ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो ये जो दो ऑक्सीजन के एटम हैं इनके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस का हाफ अगर हम लेंगे तो ये कहलाएगी कोवेलेंट रेडियस दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम हैं उनके न्यूक्लियस के बीच का कोई डिस्टेंस होगा एक एटम ये एक एटम ये ये इसका न्यूक्लियस ये इसका न्यूक्लियस इनके बीच का ये डिस्टेंस अब इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है इसका अगर हम हाफ ले लें मान लीजिए न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हमने लिया डी डी का अगर हम कर दे हाफ तो ये कहलाता है हमारा कोवलेंट रेडियस ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स एटोमिक एंड आइनिक रेडिया इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप अगर हम बात करें ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेलोनियम टेलोरियम और पोलोरियम तो आपको पता है जैसे 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 हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती चली जाती हैं। देखिए कैसे इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एट ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एट सल्फर का एटॉमिक नंबर सिक्सटीन तो इनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ऊपर से नीचे की ओर आने पर तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी जैसे कि ऑक्सीजन एट वन एस टू टू एस टू टू पी फोर एक ये और एक ये तो नंबर ऑफ सेल्स इसमें दो अगर हम बात करें सल्फर सिक्सटीन वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी फोर यह होगा इसका ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हुआ तो इसमें कितनी सेल एक ये दूसरी है तीन तीन आ रहा है तो तीसरी है शैल तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो गई तीन तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या हो रहा है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती चली जा रही हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा ऑक्सीजन है ऑक्सीजन में एक सेल दो सेल सल्फर है एक सेल दो सेल तीन सेल तो इस ऑक्सीजन के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट का ये डिस्टेंस सल्फर के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट का ये डिस्टेंस तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ काली जा रही है रेडियस भी बढ़ता चला जा रहा है ऑक्सीजन में दो शैल थी रेडियस कम था सल्फर में तीन शैल है रेडियस ज्यादा है उसके बाद सिलेनियम में चार शैल होंगी तो रेडियस और बढ़ेगा तो हमें क्या पता चला ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं जिससे एटॉमिक और आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होता है ये हमें याद रखना है द साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज हाउ एवर एक्सेप्शनली स्मॉल तो इसमें हमें याद रखना है जो ऑक्सीजन का जो साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है अब हम ये इसकी यहाँ पर देख लेते हैं यहां पर यह टेबल सेवन पॉइंट सिक्स दी गई है इसमें आप देखिए ये दी गई है यहां पर रेडियस कोविलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस इसमें आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की कोवलेंट रेडियस पिकोमीटर, उसके बाद सल्फर की बढ़ी सिलेनियम की बढ़ी टेलोरियम और पोलोनियम की बढ़ी यानी द ग्रुप बढ़ती चली जा रही है ऐसे ही आयनिक रेडियस भी द ग्रुप इंक्रीज होती चली जाएगी तो ये आपको याद रखना है बात करते हैं हम आयनाइजेशन एंथेल्पी की तो सबसे पहले हमें आयनाइजेशन एंथेलपी के बारे में पता होना चाहिए तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से सबसे ज्यादा जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है या फिर कहें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी यूज की जाती है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथेल्पी तो यहां पर आप देखिए ये हमने ऑक्सीजन का बनाया था ऑक्सीजन की पहली सेल में दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है छे छह इलेक्ट्रॉन है तो इस ऑक्सीजन से जो ये आउटर मोस्ट सेल है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो जितनी एनर्जी यूज होगी उसको हम कहेंगे उसकी आयनाइजेशन एंथेल्पी यानी आउटर मोस्ट सेल में से जो हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उसके लिए जो एनर्जी यूज की जा रही है उसको निकालने के लिए वो एनर्जी क्या कहलाएगी आयनाइजेशन एनथेलपी मान लीजिए हमने क्या किया ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाला एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी यूज की गई उसको हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनथेलपी उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ये यहां से गायब हो गया अब बचे इसमें आउटर मोस्ट मोस्टाइल में पांच इलेक्ट्रॉन इन पांच इलेक्ट्रॉन में से जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसको निकालने के लिए जो एनर्जी यूज की जाएगी वो होगी सेकंड आयनाइजेशन एनथेलपी और आपको इसमें जो याद रखना है जो सेकंड आयनाइजेशन एनथेलपी होती है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनथेलपी से ज्यादा होती है वो क्यों क्योंकि हमारे पास छह इलेक्ट्रॉन थे इसमें ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला एनर्जी यूज हुई फर्स्ट आइनरपी अब बचे इसमें कितने पांच इलेक्ट्रॉन अब आपको पता है यहां पर ये यह क्या है न्यूक्लियस है यहां पर न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा अब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया निकालने के बाद क्या हुआ यहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटोन न्यूक्लियस में ज्यादा हो गए अब ये प्रोटोन क्या करेंगे या फिर ये न्यूक्लियस क्या करेगा इन बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर और ज्यादा फोर्स लगाएगा और ज्यादा फोर्स लगाएगा तो क्योंकि प्रोटोन ज्यादा हो गए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया नेगेटिव चार्ज कम हो गया अब ये क्या करेगा न्यूक्लियस और ज्यादा फोर्स इनको लगाने लगेगा अब न्यूक्लियस जब बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर और ज्यादा फोर्स लगाने लगेगा तो क्या होगा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के और ज्यादा पास हो जाएंगे अब इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के और ज्यादा पास हो जाएंगे तो इनको निकालने के लिए क्या होगा अगले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी पहले इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटोन थे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो न्यूक्लियस इन पर ज्यादा फोर्स लगाने लगा ज्यादा फोर्स अगर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस लगा रहा है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट से ज्यादा होती है और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड और फर्स्ट से भी ज्यादा होती है तो यह आपको याद रखना है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है ऐसा क्यों इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता चला जाता है साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे तो न्यूक्लियस उन पर फोर्स नहीं लगा पाएगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे कैसे ऑक्सीजन का साइज कम था सल्फर का साइज ज्यादा था सल्फर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है तो न्यूक्लियस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो ज्यादा फोर्स लग रही है तो क्या होगा इसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी लेकिन सल्फर का साइज बढ़ गया सल्फर का साइज बढ़ गया तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सल्फर के न्यूक्लियस से दूर हो गया तो यहां पर ऑक्सीजन के मुकाबले जो ये सल्फर है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाता ज्यादा फोर्स नहीं लगा पा रहा तो हम इससे इसको आसानी से निकाल देंगे कम एनर्जी देकर ही निकाल देंगे यानी इसकी आयनेशन एंथैल्पी कम होगी इसमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए इसकी आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी तो हमें क्या पता चला जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाता है आइनशन एंथैल्पी डिक्रीज होती चली जाती है तो यहां पर सबसे ज्यादा आयनेशन एंथल ऑक्शन की सबसे कम पोलोनियम की यह आपको याद रखना है However, the element of this group have lower ionization ऑफ दिस ग्रुप to those वैल्यूज group टू in द corresponding पीरियड्स ये इसमें इम्पोर्टेंट लाइन है जो यहां पर देखें ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनथेलपी क्या होती है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के आयोन एनथेलपी से कम होती है अगर हम पीरियड्स की बात करें जो करस्पॉन्डिंग पीरियड्स है उनकी तुलना करें जैसे ग्रुप 16 में सेकेंड पीरियड में ग्रुप 15 में नाइट्रोजन आ रहा था इसी तरीके से ग्रुप सिक्सटीन में सेकेंड पीरियड में ऑक्सीजन आ रहा है तो अगर हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट की बात करें ये 15, ये ग्रुप ग्रुप तो इसमें जो नाइट्रोजन की जो आयनशन एनथेल्पी से ज्यादा होगी ऐ, ऐसा क्यों ऑक्सीजन की आइनरशन एंथेल्पी कम क्यों होगी इस, अब इसमें भी क्या है इसमें भी दो शैल है और इसमें भी दो शैल है लेकिन इसकी कम है आइनरपी इसकी ज्यादा है उसका रीजन दिया गया है दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट है इसलिए होता है क्योंकि ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट में क्या होता है एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड पी ओरबिटल होती है ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट की जो पी ऑर्बिटल होती है वो हाफ फील्ड होती है जो उनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है अब वो जब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उनको मिल रही है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जैसे नाइट्रोजन का आइटमिक नंबर सात वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री ऑक्सीजन का नंबर आठ वन एस टू टू एस टू टू पी फोर अब इसमें देखिए जो p ऑर्बिटल है उसमें आते हैं छह इलेक्ट्रॉन लेकिन यहां पर नाइट्रोजन की अगर हम बात करें ग्रुप फिफ्टीन इसमें तीन इलेक्ट्रॉन है यानी ये हाफ फील्ड है ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो एक दो तीन चार तो यहां पर जो नाइट्रोजन है ग्रुप 15 का एलिमेंट ये इसमें जो पी ऑर्बिटल है ये आधी फील्ड है हाफ फील्ड और आपको पता है जो ये पी ऑर्बिटल अगर हाफ फील्ड है ये क्या करेगी इस नाइट्रोजन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगी अगर नाइट्रोजन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाएगी तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना भारी हो जाएगा डिफिकल्ट हो जाएगा इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी ऑक्सीजन में ऐसा नहीं है ऑक्सीजन में कोई भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं है ऑक्सीजन में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं है तो इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो ये आपको याद रखना है ग्रुप 15 में क्या होता है एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड होती है जिसके कारण इनकी आइनरशन एंथेल्पी ग्रुप सिक्सटीन के एलिमेंट से ज्यादा होती है तो ये आपको याद रखना है आइनरशन एंथेल्पी यहां पर हम देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं आइनरशन एंथेल्पी डिक्रीज होती चली जा रही है क्योंकि साइज बढ़ता चला जा रहा है ये टेबल में हमने देखा अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी की सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी क्या होती है जब भी किसी आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम में हम कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आकर ऐड कराते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी जैसे ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो इलेक्ट्रॉन शेल में छह इलेक्ट्रॉन शैल में आठ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास इस ऑक्सीजन की जो ये वाली शैल है इसमें अगर हम बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन और अगर हम ऐड कराएं ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस इसकी शैल में ऑक्सीजन की हमें एक और इलेक्ट्रॉन बाहर से लाकर एड कराना है यानी ऑक्सीजन है ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन एड होगा तो क्या होगा ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ऑक्सीजन में अगर हम हमें एक और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड कराना है तो इस इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने में जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम इट हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी देन सल्फर जो ऑक्सीजन होता है उसमें क्या होता है उसका कॉम्पैक्ट नेचर होता है कॉम्पैक्ट नेचर का मतलब ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास पास होते हैं ऑक्सीजन का साइज क्या होता है छोटा ऑक्सीजन का साइज छोटा होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे इसके कारण क्या होता है ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन होती है वो सल्फर के मुकाबले लेस नेगेटिव होती है यानी सल्फर से कम होती है तो यहां पर आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन का साइज छोटा है ऑक्सीजन का अगर साइज छोटा है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ये इस शैल के इलेक्ट्रॉन और इस शैल के इलेक्ट्रॉन ये भी पास पास होंगे साथ ही साथ ये वाले इलेक्ट्रॉन भी पास पास होंगे अब इलेक्ट्रॉन अगर पास पास होंगे तो इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन होगा वो भी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन में अगर रिपल्शन ज्यादा हो रहा है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को लाकर एड करना डिफिकल्ट हो जाएगा बाहर से इलेक्ट्रॉन को अगर लाकर ऐड करना डिफिकल्ट हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन गैन एंथेलपी होगी वो क्या होगी लेस नेगेटिव होगी यानी पॉजिटिव की तरफ ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गैन एनथेलपी अगर लेस नेगेटिव होती है इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के एन अगर ज्यादा नेगेटिव होगी जैसे माइनस के 150 माइनस के 200, अगर माइनस के 150 है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना डिफिकल्ट हो रहा है माइनस के 200 है क्योंकि ज्यादा नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना आसान है तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है क्योंकि ऑक्सीजन का साइज कम होता है इलेक्ट्रॉन पास पास होते हैं इसलिए इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन लाकर ऐड कराना डिफिकल्ट हो जाता है इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है सल्फर में साइज बड़ा होता है सल्फर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी दूर दूर होते हैं इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे तो बाहर से इलेक्ट्रॉन एड कराना आसान हो जाएगा बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड कराना आसान हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी होगी वो हाई नेगेटिव होगी यानी ज्यादा नेगेटिव होगी तो ये आपको याद रखना है सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी ज्यादा होती है ज्यादा नेगेटिव होती है ऑक्सीजन के मुकाबले क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है हावर फ्रॉम सल्फर ऑनवर्ड द वैल्यू अगेन बिकम लेस नेगेटिव अप टू पोलोनियम लेकिन सल्फर से आगे जाते जाते जो वैल्यू होती है वो वापस से लेस नेगेटिव होती जाती है लेस नेगेटिव क्यों होती चली जाती है क्योंकि सल्फर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा जो मेटल्स होता है उनकी इलेक्ट्रॉन गैन एंथेल्पी पॉजिटिव की तरफ होती चली जाती है तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी यहां पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथेल्पी पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करेगी पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करेगी तो लेस नेगेटिव होती चली जाएगी यहां पर हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी माइनस वन फोर्टी वन है ऑक्सीजन की सल्फर की कितनी हो गई माइनस 200, टू हंड्रेड यानी नेगेटिव में बढ़ गई नेगेटिव में क्यों बढ़ी क्योंकि सल्फर का साइज बढ़ा इलेक्ट्रॉन ऐड कराना आसान है ऑक्सीजन के मुकाबले लेकिन अगर हम सल्फर से आगे देखें तो फिर से वो लेस नेगेटिव होती चली जाएगी ऐसा क्यों क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर यहां पर बढ़ रहा है मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करेगी लेस नेगेटिव होती चली जाती है तो इसका कारण आपको याद रखना है बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ए और बी दो एटम हैं इनके बीच में अब इनके बीच में बना कोवेलेंट बॉन्ड ये एक इलेक्ट्रॉन इस कोवेलेंट बॉन्ड में इसने दिया एक इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में बी एटम ने दिया अब क्या होगा अगर जो ये ए एटम है ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले ये जो दोनों कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले तो इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कोवेलेंटली बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी मान लीजिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ए e क्या करेगा जो एक कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींच लेगा अट्रैक्ट कर लेगा नेक्स्ट फ्लोरीन ऑक्सीजन हैज द हाइस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू अमंग्स द एलिमेंट अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेबल में फ्लोरीन की सबसे ज्यादा उसके बाद ऑक्सीजन की ये आपको याद रखना है अगर हम ग्रुप में बात करें ग्रुप ग्रुपटी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद एन इंक्रीज इन एटोमिक नंबर जैसे जैसे नंबर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जाती है तो इसमें हमें एक सिंपल रूल याद रखना है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की डाउन द ग्रुप क्या होगा साइज बढ़ता चला जाएगा साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो यहां पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा साइज बड़ा डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती चली गई तो ये आपको याद रखना है दिस इंप्लाइज दैट द मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम तो इससे हमें क्या पता लग रहा है जो मेटेलिक करेक्टर है वो ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीज होना मेटेलिक करेक्टर का बढ़ना यहां ऊपर से नीचे की ओर मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है एग्जाम्पल सेवन पॉइंट टेन एलिमेंट ऑफ ग्रुप सिक्सटीन जनरली शो लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आइनाइजन एनथेलपी कम्पेयर टू दस्पोडिंग पीरियड्स ऑफ ग्रुप फिफ्टी ये हम पढ़ चुके हैं ग्रुप सिक्सटीन के जो एलिमेंट्स हैं, वो ग्रुप फिफ्टीन के एलिमेंट्स के मुकाबले जो फर्स्ट आइनाइजेशन एनथेलपी है वो लोअर शो है, करते हैं अगर हम करस्पोंडिंग पीरियड्स की बात करें सेकेंड पीरियड में जैसे ग्रुप फिफ्टीन है ग्रुप सिक्सटीन है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की तुलना करें या फिर थर्ड पीरियड के एलिमेंट की तुलना करें तो इसका आम रीजन हम पढ़ चुके हैं क्योंकि ग्रुप सिक्सटीन में ग्रुप फिफ्टीन के एलिमेंट्स में क्या होता है एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होती है जो उनको ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा देती है और ये एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ हाफ फिल्ड यह एक्स्ट्राफी ऑर्बिटल नहीं होती इसके कारण क्या होता है ग्रुप 15 के ज्यादा होती है ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की कम होती है ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू ग्रुप सिक्सटीन एलिमेंट क्योंकि ग्रुप फिफ्टीन में क्या हो रहा है एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड प्योर ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ग्रुप सिक्सटीन में ऐसा नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी दी गई है जो ऑक्सीजन और सल्फर है वो नॉन मेटल्स हैं ये आपको याद रखना है सिलेनियम और टेलोरियम मेटलॉइड हैं, जबकि जो पोलोनियम है वो मेटल है पोलोनियम एक पुअर मेटल है यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकेंड की अगर हम बात करें जो पोलोनियम है वो रेडियो एक्टिव मेटल है और रेडियो एक्टिव होगा तो ये जनरली डीके हो जाता है शॉर्ट लिव्ड होता है पोलोनियम की जो हाफ लाइफ है वो आपको याद रखनी है थर्टीन डेज होती है All these elements exhibit allotropy, जो ग्रुप के सभी है, वो एलोट्रोपी शो करते हैं एलोट्रोपी क्या होती है एटम्स तो सेम होंगे लेकिन उनकी स्ट्रक्चर अलग होगी जैसे हमने कार्बन के केस में पढ़ा था ग्रेफाइट डायमंड और डायमंडर फ्लोरेन वो कार्बन के क्या थे एलेक्ट्रोप्स उसमें कार्बन के एटम्स थे लेकिन उनमें सभी में ग्रेफाइट में और डायमंड में उनकी जो अरेंजमेंट थी वो अलग अलग थी इसी तरीके से यहां पर होता है ग्रुप सिक्सटीन के जो एलिमेंट है वो भी एलोट्रोपी शो करते हैं इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है आपको पता है डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता चला जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो डाउन ग्रुप बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है uh, अब यहाँ पर अगर हम देखें, टेबल में टेबल में क्या है ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में इन दोनों में क्या हो रहा है ज्यादा डिफरेंस है इस डिफरेंस को हम इनकी एटोमिसिटी के आधार पर uh, क्या कर सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मोलिक्यूल ओ टू वेर एज सल्फर एग्जिस्ट एज पोलियाटोमिक मोलिक्यूल एस एट यहां पर आप अगर देखें ऑक्सीजन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 55, और सल्फर का एटोमिक मेल्टिंग पॉइंट कितना ज्यादा बढ़ रहा है पॉइंट में भी वही है एकदम से इंक्रीज हो रहा है बाकी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है ऐसा क्यों ऐसा होता है इनकी एटोमिसिटी के आधार पर क्योंकि जो डाई ऑक्सीजन होता है वो डाई एटोमिक मोलिक्यूल होता है ओ के रूप में जबकि जो सल्फर है वो पोली एटोमिक मोलिक्यूल होता है एस के रूप में होता है ऑक्सीजन में सिर्फ दो ही एटम जुड़े हैं सल्फर में आठ आठ एटम जुड़े हैं अगर सल्फर में आठ एटम आपस में उसके जुड़े हैं तो आठ एटम को तोड़ने के लिए ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी ज्यादा एनर्जी लगेगी तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो जाएगा जबकि ऑक्सीजन में सिर्फ दो ही एटम है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और सल्फर के मुकाबले इसमें कम होगा तो ये आपको याद रखना है